गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एमई 201। चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। थ्योरम क्या बोलती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि एक्चुअली ये कैसे प्रूव होगा। तो सबसे पहले हमने तीन एक्सिस लिए, ये हमारा जेड एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। इसमें हमने एक पॉइंट लिया, एक पार्टिकल पी, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस देखें वाई एक्सिस से है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी किस में आएगी, एक्स में, और ये एक्स से दूरी है तो किस में आएगी, वाई में। जेड एक्सिस जो है हमारा परपेंडिकुलर है इनसे, वहाँ से भी कुछ डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस हमने मान लिया आर, ये एक्चुअली एक तरीके से एक स्केयर बन जाता है अगर एक्स और वाई डिस्टेंस बराबर हो तो, और अगर डिफरेंट हो तो भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी यहाँ पे एक्स और वाई होंगे। देखिए हमने क्या क्या चीज़ें मानी हैं। हमने माना कि इस जो ये पार्टिकल है पी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से ले रहे हैं तो इसका डिस्टेंस कितना है वाई, और इसका एरिया हम मान लेते हैं एरिया ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, तो इसका एरिया हो गया और डिस्टेंस कितना एक्स एक्सिस वाई, तो वाई स्क्वायर। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट वाई एक्सिस निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया तो सेम है पार्टिकल का पर डिस्टेंस जो है वो एक्स हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सरफेस, होल सरफेस यानी हम मान लेते हैं कि ये टोटल एक ऐसे पार्टिकल्स मिलके एक सरफेस बना रहे हैं, ठीक है। इस टोटल सरफेस का कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हरे ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उन सब पार्टिकल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको सम कर देंगे यानी जोड़ देंगे और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सारे सरफेस का आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सरफेस अबाउट एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल का कितना था ए वाई स्क्वायर, तो सबका क्या हो जाएगा, सबका जोड़ देते हैं सिग्मा ए वाई स्क्वायर। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सरफेस अबाउट वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल का कितना था एरिया इंटू एक्स स्क्वायर, तो सारे का क्या हो जाएगा एरिया इंटू एक्स स्क्वायर का सिग्मा, यानी सबका जोड़, सारे पार्टिकल्स का जोड़, ठीक है। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सरफेस अबाउट जेड एक्सिस, ये भी क्या होगा, हर जितने भी इस एक पार्टिकल का देखें तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया इनटू डिस्टेंस कितना है आर, ठीक है। तो यानी ए आर स्केयर, ये तो एक पार्टिकल का है और सारे पार्टिकल्स क्योंकि होल सरफेस ले रहे हैं तो सिग्मा, यानी ऐसे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका सबका, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं आई जेड, जेड इज इक्वल टू सिग्मा ए आर स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, आई वाई वाई की, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, आई एक्स एक्स की वैल्यू है, ठीक है। ट्रायंगल देखिए, इनको नाम दे देते हैं, ये ओ
ये पी है ही ऑलरेडी, और ये बी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रही है, और इसमें जो हाइपोटन्यूज है यानी कर्ण जो है वो आर है, और आधार जो है वो ए ओ ए है, और जो लंब है वो एक्स है, यानी यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, तो हमारे पास क्या आ गया, आई जेड जेड इज इक्वल टू, हमें पता है सिग्मा ए आर स्क्वेयर है, ठीक है, तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वेयर की, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो सिग्मा ए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ से हमें पता लगा आई जेड जेड इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिग्मा ए एक्स स्क्वेयर प्लस सिग्मा ए वाई स्क्वेयर। अगर हम यहाँ से शो देखें तो आई एक्स एक्स का मान क्या है, ए वाई स्क्वेयर, और आई वाई वाई का ए एक्स स्क्वेयर, यानी ये जो वैल्यू है आई जेड जेड ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सिग्मा आई वाई वाई की वैल्यू है, प्लस ये किसकी वैल्यू है, एक्स एक्स की वैल्यू है, और हमारी थ्योरम क्या ही बोल रही थी, आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, और वही हमने प्रूव कर दिया, और हमारे पास हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ड्राइव हो गई है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।